सुबह का वक्त, राजस्थान। काशी आराम से सो रही थी और अभय उसका हाथ अपने हाथों में लिए सो रहा था। जब काशी की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसका हाथ अभय ने पकड़ा हुआ था। वो धीरे से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ा के बिस्तर से नीचे उतर गई और दरवाजे की तरफ उसे खोलने पड़ गई। उसने जैसे दरवाजा खोला वैसे ही अभय ने अपना हाथ दरवाजे पर रख उसे वापस बंद कर दिया। ये देखकर काशी नजरें नीचे किए हुए बोली, हमें घर जाना है, हम आपको खुद छोड़ के आएंगे, आप अकेली नहीं जा रही हैं। ये सुनकर काशी चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गई। अभय बाहर गया और कुछ देर में नौकर के साथ एक बड़ी सी थाल लेके वापस आया। उसने थाल रखने का इशारा किया और नौकर को भेज दिया, ये हमारी मासा के कपड़े और गहने हैं, आप तैयार हो जाइए। अभय ये बोल के चला गया। काशी उठ के कपड़ों को लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर में वो तैयार होके नीचे आई तो सारे नौकर उसे देख के हैरान हो गए। काशी अभय के दिए हुए कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी एक नौकर फूलों की थाल लिए जा रहा था। काशी ने उस नौकर को आवाज देते हुए रोक कर पूछा, कहाँ ले जा रहे हैं इसे? जी, देवी माँ की पूजा के फूल हैं, लाइए हमें दे दीजिए, हम कर देते हैं आज की पूजा, काशी ने बहुत प्यार से बोला। तो उस नौकर ने भी मुस्कुरा के फूल की थाल उसे दे दी। वो नौकर के साथ महल में बने मंदिर में आ गई। वो फूलों की थाल देवी माँ के चरणों में रखकर पूजा की थाल उठा के आरती करने लगी। सारे नौकर आरती की आवाज सुन के मंदिर के पास चले आए। आज इस महल में कई सालों बाद आरती के बोल सुनाई दे रहे थे। अभय कमरे में तैयार हो रहा था। जब उसके कानों में आरती के स्वर गए तो वो मुस्कुरा दिया। काशी ने आरती की और सबके सामने थाल कर उन्हें आरती और प्रसाद देने लगी। सारे नौकरों को आरती देके जब काशी आरती की थाल रखने लगी तो सारे नौकर जा चुके थे कि तभी अभय ने आकर उसके पीछे से खड़े हुए कहा, हमें आरती नहीं मिलेगी। काशी ने पीछे मुड़के देखा तो अभय खड़ा था। उसने आरती की थाल लाकर उसके सामने कर दिया। अभय ने आरती की थाल पर हाथ फेरा और उसके सर पर लगा दिया। ये देखकर काशी हैरानी से उसे देखने लगी। उसे ऐसे हैरानी से देखते हुए अभय ने थाल में रखे सिंदूर को उठाकर उसके मांग में भरते हुए उससे कहा, ऐसे मत देखिए, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है, आखिर एक आप ही तो हैं जो मुझे डांट देती हैं, जिससे मैं झगड़ता हूँ, जिसे मैं गुस्सा दिलाता हूँ। ये कहकर वो उसे देखकर मुस्कुराने लगा। काशी उसके चेहरे की तरफ गौर से देखे जा रही थी और मन में बोली, क्या हैं आप अभय, और कैसे समझूं आपको मैं। अभय ने आरती की थाल अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे समझने में अभी वक्त लगेगा आपको हुक्मरानी साहब। काशी अपने मन के अंदर पूछे गए सवाल का जवाब उसके मुंह से सुनकर हैरान हो गई और बोली, अब क्या आपको मन की आवाज भी सुनाई देती है? अब इतनी जोर से बोलोगी तो किसे नहीं सुनाई देगा। ये कहकर अभय ने उसे थाल की तरफ इशारा किया। काशी उसके इशारे को समझ नहीं पाई और उससे खींच कर बोली, आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते क्या? अभय ने उसकी तरफ थाल बढ़ाकर कहा, टीका लगाइए। उसकी बात सुनकर काशी ने टीका लगाकर थाल ले लिया और उसे प्रसाद देकर थाल रखकर जाने लगी तो अभय ने उससे कहा, मुझे नाश्ते में खीर खाना है। ये सुनकर काशी ने पीछे मुड़के गुस्से में देखा और फिर चली गई। अभय भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला गया। मालिनी ये सब एक पिलर के पीछे से छुप के देख रही थी। जब उसने अभय को काशी की मांग भरते देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कब और कैसे हुआ था। अभय ने शादी कर ली थी और किसी को पता भी नहीं था। मालिनी ये सब सोचकर बिना अभय से मिले गुस्से में वहां से चली गई। काशी कुछ देर में खीर बना के लाई और अभय के सामने एक कटोरी में रख दिया। उसने बस मुस्कुरा दिया और खाने लगा। अभय खीर खा ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से विजय ने अभय से कहा, गुड मॉर्निंग हुकुम सा, काशी है क्या? ये कहते हुए उसकी आवाज में परेशानी झलक रही थी। जी हाँ कुंवर सा, यही है, लीजिए बात कर लीजिए।
ये कहकर अभय ने फोन काशी को दे दिया। काशी ने फोन लेते हुए विजय से कहा, हाँ कुंवरसा बोलिए। प्रिंसेस आप ठीक है ना? जी हाँ कुंवरसा हम ठीक हैं। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? प्रिंसेस पापा की तबीयत खराब हो गई है, वो इस वक्त दार्जिलिंग में है, हमें वहां जाना होगा। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आप अभय के महल में रह सकती हैं? बस कुछ दिनों की बात है, प्लीज प्रिंसेस। कोई बात नहीं कुंवरसा, आप चाहिए हम रह लेंगे। शालिनी को अपने साथ ले जाइएगा, आपको किसी का साथ मिल जाएगा और आप हमारी फिक्र मत कीजिएगा, आप आराम से जाइए। काशी अभय से बात कराना। ये सुनते ही काशी ने वापस से फोन अभय को दे दिया। अभय ने फोन लेते हुए उससे कहा, हुकुम साहब हमें दार्जिलिंग जाना पड़ रहा है, तो क्या काशी आपके साथ कुछ दिन रह सकती हैं? अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो, वो यहाँ किसी को नहीं जानती हैं, इसीलिए। ये सुनते ही अभय ने खुश होकर बोला, हाँ बिल्कुल कुंवरसा आप जाइए आराम से। विजय ने उसे शुक्रिया कहा और फोन रख दिया। अभय फोन रखकर काशी को देख मुस्कुराए जा रहा था। उसे ऐसे मुस्कुराता देखकर काशी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उठी और खीर की कटोरी उठाकर नौकर को दे दी। उसे ऐसे करता देखकर अभय ने उससे कहा, अरे हम खा रहे थे। नहीं हंस लो पहले आप, और अब चलिए देर हो रही है मीटिंग के लिए, बाकी बाहर खा लीजिएगा। ये कहकर उसने एक नौकर से अपना बैग मंगवाया तो नौकर जल्दी से जाकर उसका बैग ले आकर उसे दे दिया और काशी बैग लेकर अभय को घूरते हुए बाहर की तरफ चल दी। अभय उसे देखकर मुस्कुरा के उसके पीछे चल दिया। राणा उसका बैग उठाए उसके पीछे आ रहा था। सारे नौकर बस काशी और अभय को जाता देख रहे थे और बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ मालिनी अपने घर पहुंची और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। वो अंदर जाकर गुस्से में सारी चीजें तोड़ने लगी और तेज से गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, काशी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें नहीं पता तुमने किसकी चीज को लेना चाहा है। और अभय मैंने तुमसे प्यार किया, एक राजकुमारी होके सिर्फ तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन गई, पर तुमने क्या किया, उस दो कौड़ी की लड़की के साथ शादी कर ली और तुमने ये बात मुझसे छुपाई, मुझसे। काशी तुम्हें मरना होगा, मरना होगा तुम्हें, क्योंकि अभय सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, मुझसे अभय को कोई नहीं छीन सकता है। ये बोल के उसने शीशे पर फूलदान मारा और शीशा टूट गया। इधर कुछ देर में काशी और अभय डायरेक्टर के ऑफिस पहुंच गए। जब डायरेक्टर ने अभय को देखा तो खुद उठकर उसे बैठने को कहा। काशी उन्हें देखकर हाथ जोड़ के प्रणाम बोली। डायरेक्टर साहब दोनों के साथ बात करने लगे और प्रोजेक्ट के काम के बारे में पूछते हुए उससे बोले, तो काशी जी आपको क्या लगता है कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? जी आप फिक्र मत करें, काम वक्त पर हो जाएगा और आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। डायरेक्टर साहब उससे मिलके काफी इंप्रेस हुए थे। फिर उन्होंने दोनों को देखते हुए कहा, हुकुम सा और काशी जी, अगर आज रात आप दोनों हमारी दावत में आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है अपनी शादी के 50 साल पूरे होने पर। उनकी बात सुनकर अभय ने हाँ कह दिया और काशी के साथ बाहर आ गया। बाहर आकर काशी ने उससे गुस्सा करते हुए कहा, क्या जरूरत थी आपको हाँ बोलने की, मुझसे पूछ तो लेते पहले। उसके गुस्सा करने पर अभय ने कान पकड़ते हुए कहा, गलती हो गई हुक्मरानी साहब, माफ कर दीजिए। उसे ये करता देखकर काशी ने उसका हाथ नीचे करते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप, हाथ नीचे करें। तभी किसी ने अभय को, खंबा गड़ी हुकुम सा कहा तो अभय ने पीछे मुड़ के देखा। उसके पीछे शहरावत साहब खड़े थे। शहरावत साहब राजस्थान के अच्छे व्यापारियों में गिने जाते थे, पर अपनी गंदी हरकतों की वजह से भी ये मशहूर थे। अभय के दुश्मनों में इनका नाम भी शुमार था। उसे देखकर अभय ने रौबदार आवाज में कहा, गड़ी खंबा शहरावत जी। काशी ने देखा अभय एकदम बदल गया था। उसके बोलने का तरीका, उसके देखने का अंदाज, सब एकदम से बदल गया था। अब लग रहा था कि वो एक हुकुम सा है, किसी रियासत का मालिक है। शहरावत जी ने जब काशी को देखा तो उसकी खूबसूरती पर मर मिटा और उसे देखते हुए अभय से बोला, वैसे ये कौन है, कहीं ये वो तो नहीं जिन्होंने आपसे आधा प्रोजेक्ट ले लिया? क्या नाम है, मैं भूल रहा हूं।
ये कहकर शहरावत अपने दिमाग पर जोर देने लगा। उसके बाद सुनकर काशी को देखते हुए अभय ने कहा, काशी प्रताप सिंह। ये सुनकर शहरावत ने काशी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, काशी जी हेलो। काशी ने अपना हाथ जोड़ते हुए कहा, जी प्रणाम। ये देखकर शहरावत ने अपनी गंदी नियत को आंखों में लाते हुए बोला, ओ प्रणाम, क्या बात है, आज के जमाने में ऐसी लड़कियां भी होती हैं। सच में काशी जी, आपने तो दिल जीत लिया हमारा। पर उसके कहने पर काशी शांत रही। अच्छा, हम आपसे बाद में मिलते हैं शहरावत साहब, अभी काम है तो चलते हैं, खंबागढ़ी। ये कहकर अभय काशी को लेके चला गया और शहरावत जाते हुए काशी को पीछे से देख रहा था। गाड़ी में बैठी काशी राणा जी से बोली, राणा जी गाड़ी किसी मार्केट में रोक दीजिएगा, हमें कुछ कपड़े और सामान लेने हैं। ये सुनकर अभय ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राणा गाड़ी किसी अच्छे से अच्छे मॉल ले चलो, हुकुमरानी सा को शॉपिंग करनी है। नहीं, हमें मॉल नहीं जाना, अभय ने उसे देखकर कहा। तो काशी खींच कर बाहर देखने लगी और खुद से बोली, जब देखो अपनी मर्जी चलानी होती है इन्हें। उसे ऐसे बोलता देखकर अभय ने उससे पूछा, कुछ बोला आपने? काशी उसे देखकर गुस्से में बोली, नहीं। उसे गुस्से में देखकर अभय मुस्कुरा रहा था। राणा जी ने गाड़ी को मॉल ले जाने को कहा। कुछ देर में वो राजस्थान के सबसे बड़े मॉल के सामने पहुंचे। काशी अभय के साथ गाड़ी से बाहर आई। काशी ने बाहर उतर कर देखा कि मॉल के आसपास कोई नहीं, बस अभय के गार्ड खड़े थे। उसे लगा लोग अंदर होंगे। वो अंदर बढ़ गई, पर जैसे अंदर आई तो देखा कि मॉल खाली था। वो हैरान थी कि दोपहर के 3 बजे भी मॉल इतना खाली। उसने राणा से पूछा, राणा जी ये मॉल इतना खाली क्यों है, कोई है क्यों नहीं यहाँ पर? वो हुकुमरानी सा हुकुम सा का ऑर्डर था कि जब तक आप यहाँ पर हैं तब तक ये मॉल खाली रहेगा, बस आप ही यहाँ शॉपिंग करेंगी। ये सुनकर काशी हैरान होकर बोली, क्या इनके दिमाग का इलाज कराओ, पागल हैं ये, बताओ ऐसे कोई करता है क्या? तभी पीछे से आता हुआ अभय बोला, मिर्ची खा के पैदा हुई थी आप काशी, कितना बोलती हैं आप। काशी ने घूर के देखा उसे और एलिवेटर की तरफ बड़बड़ाते हुए बढ़ गई। उसके पीछे ही वो भी बढ़ गया। काशी ने जैसे पैर रखा वो गिरने को हुई तो अभय ने उसे पीछे से पकड़ लिया। अभय का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरे हाथ से उसके हाथों को पकड़े हुए था। अभय की छुअन उसे बेचैन कर रही थी। पहली बार ऐसा था जब काशी को उसके छूने पर एक अजनबी एहसास हुआ था। हम पहुंच गए काशी, अभय ने धीरे से कहा तो काशी जल्दी से दूर हट गई। वो उसे देख के मुस्कुरा रहा था। काशी राणा जी के साथ कपड़े की शॉप में चली गई। अभय भी उसके पीछे आया और जैसे वो अंदर गया उस शॉप का मालिक तुरंत आके हाथ बांध के खड़ा हो गया। उसने थोड़ा झुक के कहा, खंबागढ़ी हुकुम सा आप यहाँ? अरे हमें बुला लिया होता, आपने आने की तकलीफ क्यों की? ये सुनकर अभय ने काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें सामान लेना है, आप इन्हें जो चाहिए दिखाइए। जी हुकुम सा, उस आदमी ने बोला और अपनी शॉप में काम करने वाले सारे नौकरों को काम पर लगा दिया। काशी को वो आदमी एक से एक अच्छे राजस्थानी लिबास दिखा रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत परेशान हो गई। उसे परेशान देखकर अभय उठ के उसके पास आया और एक नीले रंग की चुनरी उसके सर पर उड़ा के उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया और उसे देखते हुए बोला, बहुत सुंदर लग रहा है, इसे पैक कर दीजिए। ये बोलकर अभय ने वो दुपट्टा एक लड़के को देते हुए उसे पैक करने को कहा। ऐसे करते हुए अभय ने काशी के लिए बहुत सारे कपड़े पैक करा दिए। काशी खड़ी हुई देखे जा रही थी। उसने सारे सामान लिए और अभय के साथ महल आ गई। काशी महल आकर वापस अभय के ही कमरे में चली गई। सारे नौकर फिर ये देख के हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। रात का वक्त, राजस्थान। अभय नीचे बैठा काशी का इंतजार कर रहा था। तभी उसके कानों में काशी के पाजेब की झनकार सुनाई दी। उसने सर उठा के देखा तो काशी को देख के उसका दिल एक वक्त के लिए जोर से धड़क उठा। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अभय उससे नजर ही नहीं हटा पा रहा था।
काशी के खुले बाल, आधे बालों को आगे किए हुए मांग में राजस्थानी टीका, हाथों में भरी हुई चूड़ियां और आंखों में काजल। अभय उसके तरफ बढ़ा और धीरे से उसके नजदीक आया। उसके ऐसे नजदीक आने से काशी घबरा गई। उसने उसके आंखों से काजल लेके काशी के कानों के पीछे लगा दिया और धीरे से उसके कानों में कहा, किसी की नजर ना लगे आपको। ये सुनकर काशी की नजरें झुकी हुई थीं। तभी राणा अंदर आते हुए कहा, हुकुम साहब चले? जी चलिए, अभय ने बोला और काशी को चलने का इशारा किया। वो आगे बढ़ गई और अभय राणा जी के साथ पीछे आ रहा था। सब गाड़ी में बैठे और निकल गए। अभय बार बार काशी को देखे जा रहा था। तभी गाड़ी के रेडियो पर गाना बज गया, जागले के फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, जागले से। ये गाना शायद अभय के एहसासों को इस वक्त बयां कर रहा था। वो बस काशी को ही देखे जा रहा था। गाड़ी आकर होटल के सामने रुकी। नौकरों ने दरवाजा खोला तो वो दोनों बाहर आए और अंदर चल दिए। काशी जैसे अंदर पार्टी में आई तो सबकी नजर बस उस पर थी। सब उसे ही देखे जा रहे थे। तभी डायरेक्टर साहब उन्हें देखकर उनकी तरफ आते हुए बोले, वेलकम अभय प्रताप सिंह। अभय ने भी मुस्कुरा के हाथ मिलाया। डायरेक्टर साहब बहुत खुशमिजाज आदमी थे, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, इसलिए अभय भी उनके रिस्पेक्ट करता था। वैसे अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्या काशी जी की तारीफ कर दें हम? ये बोल के डायरेक्टर साहब हंस दिए। अभय ने मुस्कुरा के कहा, जी बिल्कुल। तभी डायरेक्टर साहब की पत्नी ने आते हुए बोला, किसकी तारीफ कर रहे हैं आप? उनकी आवाज़ सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे और डायरेक्टर साहब ने उनसे कहा, अरे किसी के नहीं, आपके अलावा हम भला किसी की तारीफ कर सकते हैं? काशी मिलिए, हमारी पत्नी कमलेश्वर सिंह। डायरेक्टर साहब ने अपनी पत्नी को काशी और अभय से मिलवाया। उन दोनों ने प्रणाम किया। डायरेक्टर साहब ने काशी को अपनी पत्नी से मिलवाते हुए कहा, और ये हैं काशी प्रताप सिंह, और इन्हें तो आप जानती हैं। ये सुनकर कमलेश्वरी जी ने हैरानी से कहा, काशी प्रताप सिंह, मतलब अभय ने शादी कर ली, कब? उनकी बात सुनकर काशी और अभय ने घबरा के एक दूसरे की तरफ देखा। कमलेश्वरी जी की बात का जवाब देते हुए डायरेक्टर साहब ने कहा, अरे नहीं, काशी जी का विवाह तो किसी और के साथ हुआ है, ये दोनों तो प्रोजेक्ट में पार्टनर हैं, माफ़ करना काशी बेटा। और ये कहकर कमलेश्वरी जी काशी से बात करने लगे। कुछ देर उन दोनों से बात करने के बाद डायरेक्टर साहब स्टेज पर आ गए और माइक लेकर सबको देखते हुए बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप सब आज मेरी खुशी में शरीक होने आए, और ख़ासकर मैं हुकुम साह का आभारी हूँ कि जो इतने व्यस्त होने के बाद भी आए। आज मेरी शादी को पूरे 50 साल हो गए, और इन 50 सालों में बहुत उतार चढ़ाव आए, और मेरी धर्म पत्नी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। एक अच्छे साथी की पहचान तब होती है जब वो आपके सुख में नहीं दुख में साथ दे, और कांटों भरे रास्ते में भी आपका हाथ थामे रहे। एक लड़की को कुछ नहीं चाहिए होता, बस सम्मान और थोड़ा सा प्यार। इसी भरोसे से वो आपका हाथ थामती है कि आप उसका साथ देंगे। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जिसकी शादी हुई है और जिसकी होने वाली है, कि जिंदगी में उस इंसान को सम्मान दो जो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ के बस आपके भरोसे पर चली आई है। और आप सबके लिए मैंने राजस्थान के कुछ बंजारों को बुलाया है, आप सब उनके गाने को मस्त होके सुने। ये कहकर डायरेक्टर साहब मुस्कुरा के अपनी पत्नी के साथ नीचे आके बैठ गए। अभय भी आके सोफे पर बैठ गया। काशी दूर खड़ी थी। बंजारे आके बैठ गए, गाना शुरू हुआ। सब गाने की धुन पर धीरे धीरे आके बैठने लगे। काशी कोने में खड़ी सुन रही थी।
कमलेश्वर जी ने देखा तो आके बैठने का इशारा किया। काशी आके अभय के बगल में बैठ गए। शाम रंगीन हो गई है, जरा जरा से खिली तबीयत, जरा से गमगीन हो गई है। अभय काशी को देखे जा रहा था। आज उसका दिल उससे बगावत कर रहा था। उसने काशी के हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया। काशी ने अपने हाथ को हटाने की कोशिश की तो उसने और कस के पकड़ लिया। काशी ने घबरा के उसे देखा। अभय के छूने से काशी को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। आज की शाम जैसे मदहोशी भरी थी, हर तरफ जैसे मोहब्बत थी। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या। काशी गाना खत्म होने पर वहां से उठ के बाहर चली आई। होटल के बाहर बड़ा सा बगीचा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। वो आकर वहां खड़ी हो गई। आखिर क्यों अभय, क्यों कर रहे हैं आप ये सब मेरे साथ? मत कीजिए, एक और धोखा अगर मेरे साथ हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी इस बार। बहुत मुश्किल से मैं संभाल पाई हूँ खुद को, आप पर भरोसा मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। आपने मेरे भरोसे को बनने ही नहीं दिया तो आज कैसे कर लूँ आप पर भरोसा? ये कहते हुए काशी खुद को खुद में समेटे आंखें बंद किए खड़ी थी। तभी अभय ने काशी को शॉल उड़ाते हुए कहा, एक बार भरोसा करके देखो काशी, टूटने नहीं दूंगा आपके भरोसे को। काशी उसके छूने से दूर हट गई और उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। हवाओं से उसके खुले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। अभय अपने कदम बढ़ाते हुए उसके पास आया और उसके नजदीक आते हुए उसके बालों को हटाते हुए कहा, जानता हूं मैंने आपको बहुत दर्द दिया है, पर एक बार भरोसा कर लो। काशी उसके छूने से जैसे पिघल रही थी। उसने मुंह फेर लिया और मुड़ के खड़ी हो गई तो अभय ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अपने सर को उसके कंधे पर रखते हुए बोला, काशी आप पहली और आखिरी लड़की हैं जिसको चाहते हैं हम। काशी एक आप ही हैं जिसके चेहरे पर हम मुस्कान देखना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कब और कैसे, मैं कुछ नहीं जानता इसके सिवाय कि आप बस चुकी हैं हमें। ये सुनकर काशी उससे दूर हटते हुए उसे देखकर बोली, नहीं कर सकती मैं आप पर भरोसा, कभी नहीं कर सकती। आपके लिए मेरे दिल में क्या, मेरे दिमाग में भी कुछ भी नहीं है। आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं, बस और कुछ भी नहीं। ये सुनकर अभय उसके नजदीक आकर उसके चेहरे को पकड़ के बोला, कुछ नहीं है आपके दिल में मेरे लिए, मैं अजनबी हूं आपके लिए, कुछ नहीं हूं मैं आपका काशी। काशी ने उसे देखा। अभय की आंखों में गुस्सा था। वो काशी को देख रहा था। उसके कांपते होठ, उसकी काजल से भरी आंखें, अभय जैसे मदहोश हो रहा था। काशी ने उसे नजदीक आते देखा तो नजरें झुका ली। अभय उसके कांपते होठों के पास आ रहा था। काशी ने आंखें बंद कर ली। अभय उसके होठों के पास आ ही रहा था कि तभी बिजली कड़की और काशी जैसे होश में आई हो। उसने अभय को दूर किया और एक जोर का तमाचा उसके गाल पे मार दिया। हिम्मत कैसे हुई आपकी हमारे नजदीक आने की? दूर रहिए हमसे, कोई वजूद नहीं है आपका हमारी जिंदगी में, कोई भी वजूद नहीं है। काशी इतना बोल के गुस्से में रोती हुई चली गई वहां से।
और अभय वहीं हैरान खड़ा रहा। बारिश शुरू हो गई थी। अभय उस बरसात में भीगे जा रहा था। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।